हमारी यात्रा होगी शुरू। हम निकल पड़े हैं होटल से खा पी के सब कुछ और यात्रा खुद शुरू कर दी है। तो जय माता दी। ये माता को ये नीचे है, यहाँ से ऐसे बच्चियाँ मतलब अपना नाम और पिन कोड पूछते हैं। वो सामने वो है भवन है अर्ध कुमारी। अर्ध कुमारी तो हमें जाना मिलेगा नहीं क्योंकि उसके लिए 3:30 बज चुके हैं और अब पहुंचे हम अर्ध कुमारी। और अर्ध कुमारी में लंच करने लगे, भूख लगी। चलो जी, तो फाइनली हमारी यात्रा होगी शुरू। हम निकल पड़े हैं होटल से खा पी के सब कुछ और यात्रा खुद शुरू कर दी है। तो जय माता दी। माता रानी यात्रा सफल करे। जय कैसी रहती है देखो, यात्रा कैसी रहती है वो माता रानी पे डिपेंड करता है। माता रानी कैसी यात्रा करवाती है हमारी। जय माता दी, जय माता दी। भक्ता भक्तन जय माता दी, जय माता दी। तो हम है इस टाइम कटरा बस स्टैंड पे। ये देखो ये सारी इस तरह की मार्केट है यहाँ पे और यहीं पे मतलब सामने होटल में ठहरे हुए हम लोग। और ये देखो माता के दर्शनों के लिए जाने के लिए भीड़ उमड़ी पड़ी है। भीड़ देखो, ये देखो। और ये है मतलब ये लोकल वो है, ये देखो ये बस स्टैंड है। जय माता दी। माता रानी बस यात्रा सफल करना। यहाँ पे ना जो जैसे हम जब प्रदर्शन में जाते हैं तो पर्ची जरूरी है, तो हम तो ऑनलाइन करवा दिया था लेकिन पर्ची यहाँ से मिलेगी। तो लाइन में लगे मतलब सबसे पहला जो प्रोसेस है वो ये है कि ऑनलाइन यहाँ से जो ऑनलाइन तो नहीं पर्ची भी यहाँ से भी ले सकते हैं, हमने ऑनलाइन ली है। और ये देखिए जय माता दी। जय माता दी। ये देखो जी, ये जो है वो पता नहीं कौन से दरवाजे से पर्ची लेके आ गए। जय माता दी। तो जी ये देखो पिन कोड पूछते हैं, वो कैमरा के सामने आपकी फोटो खींचेगी और आपको जो है वो कार्ड मिल जाएगा। ये है नेकी का स्तंभ। वाओ वाओ वाओ, सी द व्यू। यहाँ पे जहाँ हम एंट्री कर रहे हैं आगे, ये पुलिस चेक पोस्ट है और यात्रा की शुरुआत यहाँ से हो जाएगी। यहाँ पे हम लोगों के जो कार्ड्स हैं वो उनकी एंट्री होगी, कार्ड्स जो है वो चेक किए जाएंगे और इसके बाद यहाँ से फिर यात्रा की शुरुआत है। इससे आगे फिर इसके आगे घोड़े लेने हैं, घोड़े पे जाना है जो नहीं चल सकता, नहीं मतलब पैदल चल सकता माता के लिए, तो घोड़े यहाँ से मिलेंगे। और हम जा रहे हैं बाणगंगा के लिए, दिखाते हैं आपको। ये पालकी भी है यहाँ। हाँ ये देखो पालकियाँ हैं, हर एक चीज है। लोग ना पता है किस तरह बेचारे मेहनत करते हैं, वो भी तो है जो पालकी में लेके जाते हैं। ये देखो बेचारा बैठा हुआ, ये देखो बेचारा। ये बाणगंगा का रास्ता जी, ये है बाणगंगा और लोग यहाँ पे स्नान करते हैं। और क्या मान्यता है यहाँ पे ये बताऊंगी अभी। आगे भी है क्या? आगे भी है, ऊपर भी अभी। ये देखो लोग इस तरह
आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, और घोड़ा देखो बेचारा, वो भी तो उसमें भी जान है। ये देखो लोग अपना जो नहीं बैग उठा देते, बैग लेते हैं, ये इन घोड़ों में जान नहीं क्या। बाणगंगा से चढ़ाई चढ़ के थोड़ा सा ऊपर आओ तो नीचे उन्होंने ना एक स्पॉट सा बनाया हुआ है, बहुत सुंदर सा। तो अंशुल वहां शूट करने गया था, हम लोग तो नहीं गए। यहाँ पर पानी का फवारा वगैरह बना हुआ है, बाकी भी बहुत कुछ है सजावट का है, तो हम लोग उसका ना अंशुल का वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं। इस तरह से चढ़ाई शुरू हो गई है, वहां से हम आगे आगे, और ये इस तरह से ना पूरी मार्केट बनी पड़ी है। आप ये कुछ ही दूरी तक है मार्केट, आपने कुछ खाना है, कुछ लेना है, या होता ना खाना पीना कुछ भी, हर एक चीज मिलेगी आपको यहाँ पे, फास्ट फूड से लेके हर एक चीज। क्योंकि आगे जाके फिर जब चढ़ाई शुरू होती है ना, तो वही वो जंगल जंगल वाला रास्ता है, आपको कुछ आगे खाने के लिए मिलेगा। तो लोग यहाँ पे खाने पीने के जगह जगह मंदिर बने पड़े हैं, मतलब वो माता से रिलेटेड है सारे मंदिर, आप मत्था टेक सकते हो यहाँ पे। अब अच्छा बाकी पता क्या, यहाँ पे ना जैसे ऊपर गुफा बनी पड़ी है ना, उस वैसे ही गुफा टाइप में इन्होंने बना के वो फोटोज वगैरह खींचते हैं, और उसी टाइम आपको, हमने तो खैर नहीं खिंचवाई मैं सच बताऊँ, उसी टाइम आपको वो फोटोज ना वो कर देंगे, दे देंगे आपको। तो कटरा शहर हम 10 किलोमीटर आ चुके हैं ना, 10 आ गए ना, 10 किलोमीटर आ गए ना हम लोग। नहीं नहीं 10 से कितना, 10 टोटल हुआ आज पूरे दिन, मतलब टोटल 10 किलोमीटर चल पड़े हैं भाई आज होटल से और यहाँ तक। और अभी तो खैर नहीं हिम्मत आ रही है, पर लग रहा है अभी माता रानी हिम्मत हार ले भी नहीं देगी हमें, है ना। चलो 12 किलोमीटर मैडम, हिम्मत हार गए हो कि? जय माता दी। नहीं जी नहीं, माता रानी ने हुक्म दिया है। मैडम जी हिम्मत देना, मैडम जी वो है, ए मैडम जी, मैडम जी मैं हिम्मत देवांगी। हार गई हिम्मत की? नहीं नहीं, ये देखो, ये देखो, ये कोई हिम्मत नहीं हारी है। यहाँ तक ओपन था और मार्केट वगैरह थी, आपने देखा जैसे कि पीछे, और यहाँ से बस अब जंगल जंगल वाला रास्ता शुरू हो जाता है, और यहाँ से पूरे रास्ते में ना जहाँ तक अगर मार्केट नहीं होगी तो वो इस तरह से शेड बने पड़े, बहुत सुंदर इंतजाम है, चलने वाला इंसान होना चाहिए। तो लेकिन रास्ते बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा रास्ता है, तो चलो हमारे साथ साथ आप भी इंजॉय करो यात्रा का। ये अपनी लैंग्वेज में कुछ गा रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, रौनक लग गई, समझ तो हमें नहीं आया लेकिन रौनक लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। मरवाजी और मांझी और ये बेचारे यहाँ पे पहुंच गए हमारे थके हारे। कोई नहीं थके, जय माता दी, जय माता दी। और उर्मिल मामी जी, हाउ इज द जोश, कैसे हैं आप? जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अभी नहीं आप बोलो यार, जय माता दी। गुड, चलो आप भी जय माता दी, जय माता दी। करने तेरा मुझे कहते पीछे बाद में कर लियो ना, क्या हो गया? मिक्सी कर ले फिर, है ना रिबू? चार तो खीरा इतना महंगा, इतना महंगा, थक गया चढ़ाई? हाँ तो वही बोले मैं, थक गया हमसे मंगवा लेते। इस तरह से जगह जगह बैठने के लिए बनाए हैं, और देखो
स्टेयर है साइड से, लेकिन स्टेयर से हम नहीं चढ़ रहे, हम सीधे चल रहे हैं क्योंकि स्टेयर से इंसान थक जाता है। ये देखो यंग जनरेशन में कहाँ पे और ये कहाँ पे है। जय माता दी। इस तरह जगह जगह रास्ते में ना पानी पीने के लिए भी बने पड़े हैं, और ठंडा पानी था इस पे और फिल्टर्ड पानी था। हाथी मुत्था, अरे देखो वेटिंग हॉल भी बनाया हुआ यहाँ पे। हम हाथी मत्था पे इस टाइम, ये देखो इसको हाथी मत्था बोलते हैं, हाथी की तरह मत्था है इसका। और वो देखो वो सामने की, अब बहुत ऊंचाई पे इस टाइम, बहुत ऊंचाई पे। जय माता दी, जय माता दी। और बस अर्धकुमारी पहुंच गए, वो सामने वो है भवन है अर्धकुमारी। अर्धकुमारी तो हमें जाना मिलेगा नहीं क्योंकि उसके लिए बुकिंग जो है वो पहले करवानी पड़ती है। साढ़े तीन बज चुके हैं और अब पहुंचे हम अर्धकुमारी में, और अर्धकुमारी में अब लंच करने लगे, भूख लगी है। फिर लंच करके, क्योंकि अर्धकुमारी में तो अंदर तो हम मतलब टेक नहीं पाएंगे कि वहाँ पे जाके पहले जो है वो बहुत टाइम पहले जो वो लेना पड़ता है, टिकट लेना पड़ता है, तो जाके मतलब अंदर आप होकर पाते हैं। अगर ऐसे करोगे तो बहुत लंबी लाइन्स लगती है, तो चलो बाहर से मतलब टेक लेंगे, लंच कर लेते हैं। और लंच भी लगे हम खाने, कढ़ी चावल खाने को मन नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रहा है क्या खाएं। तो चलो लंच कर लेते हैं, भूख लगी है, फिर आगे का सफर शुरू करेंगे। तो ये जो सफर था वो अर्धकुमारी तक का सफर है। अर्धकुमारी तक खैर नहीं दिखाया मैंने, लेकिन अर्धकुमारी में हम रुके हैं अभी लंच के लिए, और इसके आगे कल दिखाएंगे हम आपको अर्धकुमारी। मतलब अर्धकुमारी अंदर तो खैर नहीं दिखा पाऊंगी, गुफा वुफा थोड़ा बहुत जो भी मतलब शूट किया मैंने मैं दिखाऊंगी, और उसके बाद जो वो होगा आगे अर्धकुमारी के आगे का सफर वो कल के वीडियो में आपको वो देखने को मिलेगा। तो माता का आशीर्वाद लेते रहो, ब्लॉग्स देखते रहो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।